दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में वीआईपी की तरह कुत्ते को टहलाने के लिए आईएएस दंपति संजीव खिरवार और उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा का तबादला कर दिया गया है। कुत्ता को टहलाने के लिए आईएएस दंपति त्यागराज स्टेडियम को जल्दी खाली करवा देते थे। 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी संजीव खिरवार को लद्दाख और उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा जो कि एक आईएएस भी हैं उन्हें अरुणाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया है। असल में तबादले की इस खबर ने कई सेवारत और सेवानिवृत्त अफसरों को हैरान नहीं किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय MHA से उन्हें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों कैडर को नियंत्रित करने वाले अधिकारियों की जरूरत थी। ये तबादला उसी को ध्यान में रखते हुए किया गया। हालांकि ट्रांसफर की टाइमिंग को लेकर लोगों को ये सजा जैसा लग सकता है रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के पूर्व नौकर सा और कार्यरत अफसर इस आईएएस कपल के तबादलों को एक सजा करार देने के बारे में दो राय रखते हैं। असल में मीडिया में खबर आने के बाद गृह मंत्रालय ने संजीव खिरवार और उनकी आईएएस पत्नी रिंकू दुग्गा के ट्रांसफर का आदेश दिया, जिसके अधिकांश ने महसूस किया कि यह नौकरशाहों के लिए सरकार की ओर से एक कड़ा संदेश था। कार्मिक और प्रशिक्षित विभाग DOPT के एक पूर्व सचिव ने रिपोर्टर्स को बताया कि तबादलों को सजा नहीं माना जा सकता, भले ही घटना सही हो लेकिन यह अधिकार का अनुचित दुरुपयोग था। कार्मिक और प्रशिक्षित विभाग DOPT के एक पूर्व सचिव बोले, सजा देने के लिए एक जांच होनी चाहिए जो एक लंबी प्रक्रिया है या उससे अधिक समय लग सकता है, जो यह मामला नहीं था। इस उदाहरण में सरकार नौकरशाहों को एक त्वरित और कड़ा संदेश देना चाहती थी, जिनमें से कुछ अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता को बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।